एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अजवाइन पोटली की वीडियो। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनके न्यू बॉर्न बेबी है या फिर जिनके बेबी 6 मंथ्स से छोटे हैं उनके लिए भी, या आप इसे 6+ के भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे पैन। पैन के अंदर मैं डालूंगी यहाँ पे अजवाइन। अजवाइन आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डाल सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हो। और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे, इसमें से जो ये खुशबू आती है उसको आने देंगे। अजवाइन वैसे भी दोस्तों एक नेचुरल इन्हेलर का काम करती है। ये इसको आप छोटे बच्चों को दे सकते हो जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं, उनको कोल्ड हो जाता है, ठंड लग जाती है, तो उन पे बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है, कारगर करता है एक अजवाइन की पोटली। वही मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज होता जाएगा। ये बच्चे के गले को और नेजल्स को, कंजेशन को रिलीफ पहुँचाता है। आप 1 ईयर बिलो यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो इस पोटली को। और इस पोटली को बनाने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे एक तो यूज़ करना है बच्चे के ऊपर, और इस पोटली को बनाने के बाद आप इसे बच्चे के बेड जिस पर भी वो सोता है या जो भी उसका पालना है या छोटा सा बेड है उसके आसपास आप इसे रखिए। और जब बच्चा सो जाए तो उसे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा इससे, उसे सांस लेने में और जो उसके गले में खरखर जैसी आवाज़ होने लगती है सर्दी के टाइम पे। नॉर्मली मेरे आदि के साथ भी ऐसा ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा कारगर होता है ये पोटली बनाना। और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर काफ़ी सारी। आप इसे बच्चों की चेस्ट पे, नेक पे, फीट पे, हथेली पे, इन सब चीज़ों पे लगाएं। और मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कैसे यूज़ करना है बच्चे के साथ इसको। इसमें मेरी जो अजवाइन है वो हल्की हल्की सुनहरी सी हो गई है। यहाँ पे फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। मेरी अजवाइन का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ बज रहा है इसके अंदर, यानी ये पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। यहाँ पे लूँगी मैं एक मसलन क्लॉथ, आप ये सूती से कपड़ा ले सकते हो और उसके अंदर इसको डाल दीजिए। और यहाँ पे मैं इसकी इस तरीके से कुछ पोटली बांध लूँगी। यहाँ पे मैंने पोटली तैयार कर ली है और अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप इसे यूज़ करें तो जो आपकी अजवाइन है थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, इतनी गर्म नहीं होनी चाहिए कि बच्चे के हाथ या पैर पर जब आप उसे लगाएं तो उसे फील हो काफ़ी ज़्यादा गर्म या वो जलने जैसा महसूस करें। इतना गर्म नहीं रखना है आपको। जब भी आप इसे यूज़ करें तो थोड़ा गर्म यानी गुनगुना टाइप होना चाहिए कि बच्चा उसे सह सके। यहाँ पे मैं आपको अपने बेबी पे यूज़ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको बच्चे के हाथ पे अच्छे से सेक लगाना है। मज़ा आ रहा है दी? और आप बच्चे के पाँव के तलवे पे भी इसी तरीके से इसे लगाएं तो इसे बहुत आराम मिलेगा। और पैर पे तलवे के लगाने के बाद आप इसे फटाफट से सॉक्स पहना दें ताकि वो हिस्सा वापस ठंडा ना हो। ये काम आप ज़्यादातर आप तभी करें जब बच्चा सोने की स्थिति में हो। आप इसके चेस्ट पे भी, ये मैं आपको स्वेटर के ऊपर करके दिखा रही हूँ, जब बच्चा सोने बिल्कुल एकदम सोने जा रहा हो उस टाइम पे आपको, जब वो टी शर्ट वगैरह पहना हो तो ऐसे डायरेक्ट आप चेस्ट पे भी कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितना भी बलगम होगा ना इसके अंदर जमा हुआ वो सारा पिघल के नीचे आ जाएगा और वो बलगम सारा पॉटी के थ्रू निकल जाएगा इसका। आप इसे चेस्ट पे भी इसी तरीके से पीछे लगाएं। और इसी पोटली को दोस्तों जब आपका बच्चा जहाँ भी सोता है, बेड पे सोता है या पालने में सोता है या इसका छोटा सा भी जो भी बेड हो उसके पास आप इसे रख दें ताकि जब बच्चा सो जाएगा तो इसकी जो स्मेल होगी वो जब इसे सांस लेगा तो इसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसकी नोज में जो कंजेशन फील हो रहा होगा उन सब चीज़ों में से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।